देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं पर हर पहलू पर खास ख्याल रखा जा रहा है। इसी के मद्देनजर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में भाजपा द्वारा दिल्ली में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। साथ ही आदेश गुप्ता ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधित जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराई, जिसमें सैनिटाइजर, मास्क, काढ़ा, सरीके सामान शामिल रहे, ताकि कोरोना काल में दिल्ली की सफाई में अपनी ड्यूटी दे रहे सफाई कर्मी पूरी सुरक्षा के साथ ड्यूटी दे सकें और दिल्ली को स्वस्थ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में एमसीडी के स्वास्थ्य कर्मियों ने आगे आकर अपनी ड्यूटी दी और कोरोना से बेखौफ होकर दिल्ली को स्वस्थ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के इसी समर्पण भाव को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इन्हें सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण के लिए भी एक संदेश देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 5 अगस्त को जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संत समाज के साथ 500 वर्षों के इतिहास को पलटने का काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर भगवान राम के भव्य मंदिर के जन्मभूमि की भूमि पूजन करने जा रहे हैं, इस अवसर पर हमने सभी को दिए बांटे हैं और इसके साथ साथ उनको जिस समय कोरोना संकट चल रहा है तो ऐसी सेफ्टी किट जिसमें मास्क है, जिसके अंदर सैनिटाइजर है, जिसके अंदर फेस कवर है और ज़रूरत के सामान है एमसीडी के कर्मियों को भी दिए, और ये अभियान हमारा जारी रहेगा। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर इस अवसर पर दिए बांटने का काम कर बहरहाल आज जगह जगह कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली में इन स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किए जाने की ये पहल बेहद ही सराहनीय है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।